तो आज के हमारी इस क्लास में हम वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग पे डिस्कस कर रहे हैं, और वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग पे हम बात करेंगे आपके साथ कि किस तरीके से हम अपने रेंज को फॉर्मेट करते हैं। हमने इससे पहले ही क्लासेस में रेंज को कॉल करना, रेंज को सिलेक्ट करना, रेंज पे कैसे डेटा एंट्री करते हैं, डेटा की एंट्री करना, डेटा कॉपी पेस्ट, बाकी चीजें बताई थी। अब बात करते हैं रेंज की फॉर्मेटिंग। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि फॉर्मेटिंग में ही हमारा सबसे ज्यादा टाइम किल होता है, सबसे ज्यादा टाइम लगता है। मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग साहू जी, बड़े लेट है आज। सर, अब यहां पर मैं सब्जेक्ट देते हैं, आर करता हूं मैं ओपन क्लोज। अब मान लीजिए मुझे एक रेंज के ऊपर सबसे पहले बात करते हैं फॉन्ट, फॉन्ट कैसे अप्लाई करते हैं। तो मान लीजिए रेंज हमको भी सिलेक्ट कर लेता हूं, रेंज A1 से लेके C1 डॉट फॉन्ट डॉट नेम इक्वल टू हमने एरियल कर दिया। मुझे इसका फॉन्ट का कलर चेंज करना है A1 से लेके C1 डॉट फॉन्ट। अब यहां पे क्या है कि मुझे कलर करना है, साइज करना है, अंडरलाइन करना है, तो तीन बोल्ड करना है, तीन चार चीजें हमें करनी है। तो हर बार हमें क्या करना होगा कि हर बार मुझे एक फॉन्ट का देना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसमें हम विथ कमांड यूज कर सकते हैं। यहां लिखेंगे विथ और यहां पे अब आ जाएगा। तो बार बार अब मुझे रेंज लिखने की जरूरत नहीं है, रेंज फॉर्म की डॉट हम यहां पे करेंगे साइज इक्वल टू 12 डॉट बोल्ड इक्वल टू ट्रू डॉट इटैलिक इक्वल टू ट्रू या फॉल्स देना दीजिए, अदरवाइज हटाना है तो हटा सकते हैं। अंडरलाइन इक्वल टू ट्रू, कलर की बात हो गई, फॉन्ट कलर हमने नहीं दिया, तो यहां पे डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। लास्ट में आप बोले यहां पे कर दीजिए, आप कलर की हो गई कि वीवी रेड ग्रीन ब्लू श्याम मैजेंटा कर सकते हैं, या फिर आप दे सकते हैं RGB कलर। RGB क्या होता है मैं बताता हूं आपको, यहां पे RGB नंबर दिया है, ये नंबर कहां से मिलेगा मुझे, तो इसके यहां हेल्प करेगा आपको एक्सेल। एक्सेल में जाए, कलर को सिलेक्ट करें, मोर कलर पे आए, कस्टम पे जाए, या जो भी कलर सिलेक्ट करेंगे उसका आपको यहां पे RGB रेड ग्रू ग्रीन ब्लू मिल जाएगा, वो डाल दीजिए। या फिर आप कर सकते हैं कलर इंडेक्स नंबर डॉट कलर इंडेक्स। अब कलर जो कलर की जो चीजें बता रहा हूं, सिर्फ रेंज पे नहीं, जहां भी कलर यूज होगा सब जगह सेम होगा। अब कलर इंडेक्स में मैंने 5 दे दिया, तो कैसे पता चलेगा किसका कलर इंडेक्स नंबर क्या है, तो उसमें आपको हेल्प करेगा आपका वीवीए का हेल्प। अब वीवीए हेल्प पे क्लिक कीजिए, कोई बात नहीं प्रवीण जी। अतीश जी मेरी वॉइस तो क्लियर है ना, अतीश जी वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना, अतीश जी क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे।
अब यहां पे मैं डालता हूं कलर इंडेक्स करके, मैंने सर्च कर लिया एरा नहीं, हाँ एरा, एक कलर इंडेक्स है आपका। तो आप जनरली 3-4-5 जो कलर यूज करते हैं उस कलर का लिस्ट जो है आप यहां से नोट कर ले कि आप ब्लू करते हैं तो 32 हो गया, आप अगर ग्रीन करते हैं 34 हो गया, अगर आप रेड करते हैं तो 3 हो गया, ब्लैक पे 1 हो गया, तो ये आपको 1 से लेके 56 तक है। तो जो मोस्टली कलर यूज करते हैं उसका कलर नंबर याद रखें और आप यहां यूज कर सकते हैं कलर इंडेक्स नंबर। तो हमने रेंज की फॉर्मेटिंग के बारे में सीख लिया। अब आप लोगों के पास कोई प्रॉब्लम है तो बताइए शुभम जी। तो कलर इंडेक्स कलर भी क्या से डिफरेंस हुआ ये नहीं समझ में आ रहा। कलर इंडेक्स का रोल, कलर तो आपने आरजीबी दे दिया उससे हमारा कलर आ जाएगा, कलर इंडेक्स क्या करेगा? दो तरीके बताए कि आरजीबी में आपको नंबर देना पड़ेगा, तो नंबर देखना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। याद है कि मैंने बताया आपको तीन तरीके हैं कलर देने के। पहला तरीका है कि आप डॉट कलर इक्वल टू रेड कलर का नेम, ग्रीन, बीबी ब्लू, श्याम, मैजेंटा जो होता है आप कलर दे सकते हैं। अच्छा। लेकिन कभी कभी डिटेलिंग में कलर हमें देना होता है तो हम आरजीबी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपना कलर इंडेक्स नंबर इसमें से। तो इसमें से कोई एक ही देना है, मैंने दो तीन बताया आपको लेकिन देना आपको एक ही है। ठीक है, तरीका आपको है कि कौन सा तरीका आप आरजीबी में भी आरजीबी कलर का इस्तेमाल करते हैं, कलर इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप बीबी रेड ग्रीन ब्लू को इस्तेमाल करते हैं। समझ गए? हाँ सर, क्लियर है। अब बात करते हैं हमने इसकी कलर, अब बात करते हैं बॉर्डर की, नहीं बैकग्राउंड कलर पहले कर लेते हैं। किसी की अगर बैकग्राउंड कलर हमें लेनी है तो क्या करेंगे बैकग्राउंड कलर के लिए? बैकग्राउंड कलर के लिए हम सिंपल एरिया लेते हैं, रेंज A1 से लेके C1 या जो भी रेंज आपका है, डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू VV रेड ग्रीन ब्लू कर सकते हैं या फिर RGB कर सकते हैं, कलर इसमें डालिए, या फिर आप कलर इंडेक्स नंबर यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं बॉर्डर की। अगर आपको बॉर्डर देना है तो क्या करेंगे? तो रेंज A1 से लेके C1 डॉट बॉर्डर्स, इसके बाद लाइन स्टाइल, अब यहां पे इक्वल 1 या XL कंटिन्यूअस कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, आपको ऑल बॉर्डर दे देता है। कौन सा बॉर्डर? ऑल बॉर्डर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें अलग फॉर्मेट चाहिए होता है, तो उसको समझने के लिए मैं रिकॉर्डिंग माइक्रो करता हूं तो आप उसको अच्छे से समझेंगे। राइट क्लिक कीजिए फॉर्मेट सेल पे, बॉर्डर, अपर बॉर्डर है, लेफ्ट बॉर्डर है, राइट बॉर्डर है, ये बॉर्डर का टाइप है। अब मैं आपको यहां इसकी कोडिंग दिखाता हूं। सबसे पहले इसने क्या किया ना, देखिए सिलेक्शन, मान लीजिए रेंज A1 से C1, ओके, बॉर्डर्स और ब्रैकेट में किया आपको डायगोन डाउन, लाइन स्टाइल क्या है एक्सेल कंटिन्यूअस, कलर इंडेक्स क्या है ऑटोमेटिक है, और तीन सेट क्या है 0 है, विड्थ क्या है एक्सेल थीन, मतलब कि पतला है, इसमें थिक होगा तो मोटा होगा, ठीक है, ठीक होगा तो मोटा होगा, थीन है तो पतला है। उसी तरह से यहां पे अप हो गया, यह आपका लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, बॉटम हो गया, वर्टिकल हो गया, ठीक है सर। तो अलग अलग एंगल पे इस तरह से यूज कर सकते हैं या फिर एक साथ ये इस्तेमाल कर सकते। आया समझ में सर?
शुभम जी कोई दिक्कत नहीं सर, सही है अभी। अब बात करते हैं हम अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट होता है ना, इस अलाइनमेंट अलाइनमेंट में यहां देखिए, अलाइनमेंट का सिंपल है ये आपका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हो गया, ये आपका वर्टिकल अलाइनमेंट हो गया। इसमें एक्सेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट, एक्सेल राइट, एक्सेल अप कर सकते हैं। ये आपका बॉटम है, टॉप है, मिडल है, ये कर सकते हैं। रैप टेक्स करना है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ओरिएंटेशन क्या, कितना डिग्री पे इसको झुकाना है वो डाल सकते हैं। इंडेंट कितना आगे और पीछे करना है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। श्रिंक टू फिट मतलब एक ही सेल में फिट करना है तो श्रिंक टू फिट कर सकते हैं। रीडिंग ऑर्डर एक डिफॉल्ट होता है, जरूरत नहीं है। या फिर मर्ज करना है तो उसको मर्ज ट्रू एंड फॉल्स कर सकते हैं। अभी एक साथ दिया है, आपको जो जरूरत है वो इस्तेमाल कीजिए, बाकी जो डिफॉल्ट है डिफॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगर मर्ज का एक और तरीका होता है कि रेंज A1 से लेके C1 डॉट मर्ज या अनमर्ज, ठीक है, मर्ज और अनमर्ज इसका इस्तेमाल कर सकते। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने फॉन्ट लगाना सीख लिया, हमने बॉर्डर लगाना सीख लिया, हमने बैकग्राउंड कलर करना सीख लिया, हमने अलाइनमेंट सीख लिया। अब अगला टॉपिक क्या आता है, अगला टॉपिक आता है नंबर फॉर्मेट। जैसे डेट का फॉर्मेट देना है, टाइम का फॉर्मेट देना है, नंबर का फॉर्मेट, परसेंटेज का फॉर्मेट कैसे देंगे, तो उसके लिए हम यहां लिखेंगे रेंज जो भी लोकेशंस है वो लोकेशंस डॉट नंबर फॉर्मेट इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में अपने फॉर्मेट। जैसे मुझे देना है नंबर फॉर्मेट 00 या मुझे देना है परसेंटेज का या मुझे देना है यहां पे डेट का फॉर्मेट, तो यहां पे DD/MMM/YYY जो कस्टम फॉर्मेटिंग में इस्तेमाल करते हैं सेम आपको याद देना। ओके, अब बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। अगर एक एरिया में मुझे कंडीशन अप्लाई करना हो इसे ग्रेटर देन 50 और हमने इस पे अपना कलर चूज कर लिया ग्रीन एंड ओके, तो क्या होगा, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। देखिएगा यहां पे सबसे पहले दिला है कि कंडी यहां पे कंडीशन, यहां पे देखिए इस चीज को, इस लाइन को पहले देखिए कि सिलेक्शन डॉट फॉर्मेट कंडीशन डॉट एड सिलेक्शन या फिर रेंज A1 डॉट फॉर्मेट कंडीशन डॉट एड। अब टाइप क्या है, एक्सेल यहां पे एक्सेल सेल वैल्यू है, सेल की वैल्यू के ऊपर है। ऑपरेशन क्या है, एक्सेल ग्रेटर देन, यहां पे लेस देन भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है, और फॉर्मूला मतलब अपना कंडीशन क्या है वो कंडीशन आपने यहां लगा दी। तो ये हो गई कंडीशन अप्लाई हुआ। अब कंडीशन के बिहाफ पे फॉर्मेटिंग, अब ये जो इसलिए दिया जाता है ये वही भी देंगे तो काम चलेगा, लेकिन क्या होता है कि 3-4 अगर कंडीशन लगा हुआ है तो इसकी प्रायोरिटी को सबसे ऊपर रख देगा, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग पहले से 2 अगर लगा हुआ है तो कौन सा फॉर्मेट, किस कंडीशनल फॉर्मेटिंग की फॉर्मेट चेंज करना है वो डिसाइड होता है, क्योंकि नीचे जो फॉर्मेट हमने अप्लाई किया हुआ है उसमें हमने नंबर दिया हुआ है कि किस कंडीशनल फॉर्मेटिंग को चेंज करना है फॉर्मेट, और उसका कलर क्या है और उसका बाकी पैटर्न वगैरह क्या है वो हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो अब आप लोग मुझे एक अटेंडेंस का फॉर्मेट BVA के थ्रू कोड करके दीजिए। आप रिकॉर्डिंग मैक्रो का हेल्प ले सकते हैं, लेकिन कोड को मॉडिफाई कीजिएगा।